आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। इसी पे जो है मुहिम चला रहा कि मुस्लिम समाज पढ़े और लिख के आगे बढ़ने की कोशिश करे, चार लोगों के बीच में उठ बैठ सके। तो हमारे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय देव भाई साहब, उनकी ये टीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चल रही है और मैं काशी प्रांत का संयोजक हूँ, उसके नाते आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है आपकी विस्तार के लिए। तो ये सब बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहता है कि मुस्लिम समाज जब आगे आए, मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी आगे आके हिस्सा लें, अपना मुल्क मार आपको कोई भी बता दिया, किसी भी लोग ने बता दिया कि अब मुसलमान का ये होने वाला है, अब मुसलमान का वो होने वाला है, तो उसी में लोग फंस जाते हैं। सुबह से शाम तक वही बात हो रही है कि मुसलमान का ये होने वाला है, मुसलमान का वो होने वाला है। लेकिन जब पढ़ा लिखा मुसलमान होगा तो उस पर रिसर्च करेगा। अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से हाईलाइट हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो उसमें मुसलमान घबरा गए, क्या क्या हो जाएगा, हमें नमाजी पर ऐसा कुछ नहीं। आपके आपके धर्म की चीज को छिना नहीं सकता, आपको पूरा राइट दिया जाएगा, लेकिन चाहे आपको समझने की जरूरत है। कहता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के अंदर एजुकेशन फुल कराइए, आप चाहे आधी रोटी खाए चाहे एक रोटी खाए, इस पर आप लगाम लगाइए। जो पैसा मोबाइल में खर्चा करवा रही उसमें खर्चा करवा रही, आप पढ़ाई में एजुकेशन में आगे लाइए उनको। जब आप एजुकेशन में बच्चों को आगे लाएंगी तो आप हमारा समाज जो भी जो है चार लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकता है। तो कितने लोग तैयार हैं कि अपने बच्चों के एजुकेशन में मजबूत करेंगे, हाथ उठाइए, है ना सही, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कायदे से। और बाकी रही सवाल जो मोनी जी से हमारी बात हुई है लगातार कि कुछ तो महवा में जो है हैंडीक्राफ्ट वाले भी बहुत से हैं, उनके भी लगातार मेरी मुहिम चल रही है कि किस तरीके से करना है, उसमें भी मेरा पूरा ध्यान है। लेकिन जो ये मेन मुद्दा है अपने मुल्क हिंदुस्तान का, हमने अपने देश के प्रति हुब्बल वतने निजबुल ईमान, हुब्बल वतने निजबुल ईमान मतलब आधा ईमान जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए अपने मुल्क से, क्योंकि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जी कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। आप देखिए कि हमारे तमाम वली अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तमाम सारे वली अल्लाह हैं। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कार्यकारिणी का विस्तार किया हमने प्रयागराज जिला संयोजक ने, तो काफ़ी लोगों को हमने जो है यहाँ पे संगठन के रूप में हमें जो है दायित्व दिया है, अपने जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो है मार्गदर्शक आदरणीय इंद्र भाई साहब और अजय सिंह भाई साहब के ये मतलब के जो है संज्ञान में सब चीज़ करके ये आगे मैंने बढ़ाया है। और मेन हमारा मोटिवेशन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो है वो ये है कि हम अपने मुल्क मातृ वतन हिंदुस्तान को मजबूत कैसे करें, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे मुल्क के लिए तरक्की का मामला हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए कि हमारे जो मुस्लिम समाज पिछड़ चुके हैं, जो किसी भी बात को बहकावे में आ जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मतलब कोई भी बात बताता है कोई मुसलमान को बहकावे में आकर उल्टी सीधी मतलब हरकतें पे आगे आ जाता है, तो हम उसी को समेट के चलना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल के रहें, तभी हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो इसमें लगा हो। अभी देखिए कल हमारे लिए कितना गौरवशाली पल था कि चंद्रयान पे हम लोग हमारा देश देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये सब कैसे होगा जब हमारा मुल्क मातृ वतन हिंदुस्तान मजबूती के साथ सब मिल के रहेंगे इस देश के लिए, तब ये हमारा मुल्क मातृ वतन मजबूती के साथ आगे आ रहा है धीरे धीरे। आपके साथ पीछे महिला भी खड़ी हैं तो क्या देखिए मुस्लिम महिलाओं का भी कोई दायित्व नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी मुस्लिम महिला जैसे बताया नहीं कि एजुकेशन कम होने के कारण लोग जो है थोड़ा सा असमंजस हो जाते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक वो निकल रहा है तो मुस्लिम समाज थोड़ा भयभीत हुआ है, तो क्या एजुकेशन कमी होने के कारण ये चीज़ हो रहा है, हमने उस पर इनको डिटेल से समझाया कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना, आपके फ़ायदे के लिए क्या है उसको हमने समझाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो किसी की आज़ादी नहीं छीनेगी, सबको उसी तरीके जीने का एक मौलिक आधार मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, लेकिन इसमें डरने और मुसलमान को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
मेरा नाम मोहम्मद फरीद साहब है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काफी प्रांत पुलिस साथ सहयोग।